धूप अच्छी खासी निकली है तो पर्दे को हटा देते हैं ताकि धूप आए अंदर और हमारे इस सेटअप में भी बर्ड एक्टिव रहें, वाइटामिन उन्हें मिलता रहे। तो चीकूस बहुत ही बोलते हैं यार, इनका क्या हाल है मुझे समझ नहीं लग रही। इन्हें मेरा दिल है मैं दे आऊँ वापस, ना तो ये ब्रीड कर रहे हैं। चीकू क्यों शोर मचाते हो आप, हैं चीकू? चीकू हाँ उड़ के तो चला गया, बॉक्स में चला गया। बताओ यार, मैं जा रहा हूँ ऊपर, आप अपना ख्याल रखो, चीखते रहो। भाई यहाँ पे कुछ चिक्स थे तो मैं उन्हें देख लेता हूँ, क्योंकि मैं बर्ड्स को ना डेली चेक करता हूँ किधर है वो, बाहर निकला हुआ है वो देखें, ये सामने बैठा हुआ है, बड़ा हो गया ये, बाहर निकला है माशाल्लाह से। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है मेरे सेटअप में और बर्ड्स ब्रीड कर रहे हैं। ये देखें चिक्स निकल आते हैं और फिर बाहर घूमते हैं। ये भी चिक्स है, ये येलो कलर का जो उड़ के गया है, और इसके अंदर कुछ नहीं है। और यहाँ से एक दिखाता हूँ आपको, बड़े प्यारे, बहुत प्यारे हैं ये वाले, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं। ये आपको मैं दिखाता हूँ, वाइट कलर का और ब्लैक आइज, ठीक है। और एक और आपको दिखाता हूँ, ये देखें वाइट कलर का, ओहो किधर जा रहे हो, वाइट कलर का और रेड आइज, ये देखें बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है इनकी। और ये भी, ये ब्लैक कलर में, लेकिन ये पता नहीं है कौन सा होगा, इसके पार आएंगे फिर पता चलेगा। इन्हें छोड़ते हैं इनके बॉक्स में और हम अपने ऊपर सेटअप पे चलते हैं। इन बर्ड को मैंने पानी वगैरह दे दिया, डेली तकरीबन पानी देना पड़ता है, फिर ख़राब कर देते हैं पानी। ये रैबिट का खाना मैं लेके आया हूँ। ये देखें हमारी बेला कितना शोर मचा रही। बेला क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया, शोर क्यों मचा रही हो, खाना भी तुम्हें देते हैं। और हमारी गिनी फॉल भी इधर है, इन्हें भी बाहर निकालते हैं। चलो बाहर आ जाओ, शाबाश आ जाओ बाहर। तो गाइस हमारी गिनी फॉल्स भी बाहर आ गई हैं और बेला को मैंने बाहर निकाल दिया। और रात को मैं ना पर्दा ये नीचे करना भूल गया था और सुबह मैं जब आया तो पर्दा ऊपर था, तो मैं हैरान हो गया देख के ये किसने ऊपर किया। तो ये मैं कल पर्दा नीचे करना भूल गया था तो इसीलिए पहले ही ऊपर था। तो कोई बात नहीं, मौसम ठीक था माशाल्लाह से, धूप भी आज ठीक ठाक निकली है, तेज़ धूप निकली हुई है। तो हमारे सेटअप में, हमारे मास्टर केज में कोई सर्दी का मसला नहीं बना और बर्ड सारे ठीक है हमारे, और डव्स वगैरह भी जिन्हें सर्दी लगती है वो भी ठीक है, वो धूप सेक रही हैं, मज़े में हैं। गाइस यहाँ पे हमारे ग्रीन पैरट भी आते होते हैं, तो अभी एक पेयर आया था यहाँ से उड़ के गया है और बहुत ही प्यारा लग रहा था, टैं टैं करके हमारे इस मिट्ठू को जेलस कर रहा था कि मैं उड़ रहा हूँ और तुम कह दो। लेकिन ये तो टेम है बेचारा, थोड़ा सा हमारे पास जो रहता है, और इसके बाल भी काटे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से हूँ। तो माशाल्लाह से धूप बहुत तेज़ है और मेरी आंखों में तेज़ चुभन हो रही है धूप से। तो गाइस अपने सारे बर्ड्स की देखभाल शुरू हो गई है और इन्हें खाना शाना भी डालना शुरू कर दिया मैंने। और यहाँ पे एक डव है, इसके पैर पे थोड़ी सी चोट लगी है, लगता है इसने किसी के साथ लड़ाई की होगी। इसे पकड़ के देखता हूँ कहाँ पे इसे चोट लगी है। इधर आओ बेटा, क्या हुआ आपको? इसके पैर पे ना हल्की सी चोट लगी है, ये दिखाता हूँ मैं आपको, इस पार पे ना हल्की सी चोट लगी है। ये इसने किसी के साथ लड़ाई की है, शायद अपने दोस्तों के साथ लड़ाई की होगी या फिर किचन वगैरह ने इसे थोड़ा सा मारा होगा। है वैसे ठीक है, ये देखें उड़ती भी है ठीक ठाक, फिट है ये, कोई मसला नहीं है। तो ये बर्ड की लड़ाइयाँ होती रहती हैं जब ये इकट्ठे रहते हैं। तो बाकी हमारे सारे बर्ड ठीक हैं, कुछ रैबिट्स हमारे बाहर आ गए हैं तो बाकी को बाहर निकालते हैं, मिनी चिकन्स को भी। हेलो मिट्ठू, चलो भाई, गिडी 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 गिडी
पिजन्स और वो देखे रैबिट्स कितने मज़े से बैठ गए, इसने बाहर नहीं लगता निकलना, खाना शाना खा के फुल लेटा हुआ है देखे मज़े से। हाँ जी रैबिट भाई आपने बाहर नहीं निकलना, सॉरी ये तो बैन है ये तो फीमेल है ना, तो मैं भाई से कह रहा हूँ, तो इन्हें भी बाहर निकालते हैं फिर इन्हें खाना देते हैं। और मेरे रैबिट के बेबीज भी यहाँ पे ठीक है, यहाँ से रैबिट्स ने बॉक्स फाड़ा हुआ है, यहाँ से बच्चे बाहर निकल सकते हैं, इसका मैं कोई हल करता हूँ। रैबिट्स मारे फिर से अंदर चले गए, तो इन्हें अंदर ही रहने देता हूँ। पिजन भी अंदर हैं और रैबिट्स भी, दो जो बाहर थे वो भी अंदर चले गए, तो बच्चों के पास इनका दिल लगता है इसलिए ये अंदर चले गए। चलें कोई बात नहीं, मिनी चिकन्स बाहर हैं और हमने जो कल दाना डाला था वो अभी भी पड़ा हुआ था, तो ये वही खा रही हैं और ये भी घास खा रही हैं। तो गाइस रैबिट्स को यहाँ पे खाना डाल देते हैं, इनका घास भी पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने सोचा है कि ये सब्ज़ियाँ जो है ना पहले इन्हें दे दें और ये इनके लिए ज़्यादा बेस्ट हैं। सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, पालक, मेथी, गाजरें, शलजम, और ये भी हेल्दी डाइट है, ये खाएंगे तो इनकी सेहत अच्छी रहेगी। तो साथ साथ इनका घास भी इन्हें देते रहेंगे, वो मैं लेके आया था कल तो वो भी पड़ा हुआ है, तो शाम को हम इन्हें घास दे देंगे। तो गाइस आज हमने अपनी इस फीमेल के लिए मेल लेके आना है, और हमारी जो डव हैं, इधर गई हैं डव, वो देखें वहाँ पे हमारे जो डव हैं उनके लिए भी हमने एक पीस लेके आना है जो मेल या फीमेल हमें चाहिए। तो गाइस सबसे पहले अब मार्केट जाते हैं, एक मेल पिजन लेके आना है उस फीमेल के लिए, और डव एक लेके आनी है ताकि ये पेयर हमारा कंप्लीट हो और इनके लिए वो सरप्राइज़ होगा। तो इन्हें आज सरप्राइज़ देते हैं, इनके लिए डव के लिए और पिजन के लिए हम पेयर कंप्लीट करते हैं। तो गाइस चलते हैं मार्केट। तो गाइस मार्केट में मैं आ गया हूँ और ये पिजन मैं देख रहा हूँ, और यहाँ पे खरगोश आए हैं बड़े शानदार, ये देखें बड़े साइज के हैं, एक ये है, ये हमारी जो बैला है उतना साइज है इसका, इतने बड़े खरगोश हैं। रैबिट रैबिट हेलो, ये देखें बहुत बड़ा खरगोश है। दूसरा दूसरा आ आ आ आ ये जोड़ा ही है, जोड़ा है सेम वैसे ही है, मेरी कबूतरी भी सेम वैसी है। तो गाइस मैं अपने मास्टर केज में आ गया हूँ, और ये मैं पिजन और डव लेके आया था, जो वो यहाँ पे खोलते हैं और अपने डव और पिजन को सरप्राइज देते हैं। ऐसे ही खोल देता हूँ इसे, तो ये बाहर निकल आएंगी, निकल आओ निकल आओ। ये पिजन है हमारा मेल, और इसके अंदर डव, ये देखें डव वो निकल आई, कितनी फुर्तीली है। तो गाइस हमारा ये मेल भी आ गया, ये देखें इसके पर काटे हुए हैं, और ये हमारी फीमेल है, इसे रिंग डाला हुआ है, और उसे भी रिंग, इससे भी हम रिंग डाल देते हैं, और जो हम डव लेके आए हैं वो ये बैठा हुआ है पीस। तो गाइस मैं रिंग ले आया हूँ अपने न्यू मेल को पहनाने के लिए, और वो पेयर भी बन रहा है, मैंने देखा है उस फीमेल के साथ जो है ना उसके पास घूम रहा था, और पेयर उसका जल्दी बनेगा, ये और ये वापस में मानूस हो रहे हैं, तो ये जल्दी पेयर बनेगा। इसे मैं रिंग पहनाता हूँ पकड़ के, ये देखें गाइस मैंने इसे पकड़ लिया, अब इसमें रिंग पहना रहा हूँ, रिंग पहना दो फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस मैंने इसे रिंग पहना दी, ये देखें इसके पाँव पे, ओहो भाग रहा है। तो अब हमारे सारे कबूतरों को इस तरह के रिंग पहना दिए, और ये हमारे सेटअप पर बड़े अच्छे लगेंगे। तो गाइस हमारे रैबिट्स का सारा जो गंद था वो भी मैंने सही साफ कर दिया, नीट एंड क्लीन हो गया हमारा मास्टर केज। तो रैबिट्स ज़्यादा गंद मचाते हैं, और हमारे मेल देखें वो लगेगा किस तरह घूम रहा है, और ये भी काम कंप्लीट हो गया, हमारे दोनों पिजन के पैर कंप्लीट हैं अब, और डव के पैर भी कंप्लीट हैं। तीन पीस यहाँ पर बैठे हैं, और जो न्यू है बॉक्स के ऊपर बैठा हुआ है उस साइड पे फिशर के पीछे, तो ये भी काम हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज हमने अपने पिजन को और डव को सरप्राइज़ दिया है, उनके पैर कंप्लीट कर दिए हैं, तो ये मसला था कि ये भी हल हो गया। रैबिट्स भी मास्टर केज में है, और गिनी फॉल और मिनी चिकन्स को बंद करना है, और बैला को बंद करना है, बाकी हमारे बर्ड्स और एनिमल अंदर हैं मास्टर केज में। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।